ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट काम सीखने के बावजूद भी आपको सपोर्ट मिलेगा, वो 3 महीने हो जाओ या 1 साल हो जाओ, आज भी वही मुझे रेस्पेक्ट मिली है और आज भी वही मेरे दरवाजे खुले हैं। सर के लिए बहुत बहुत थैंक, सागर सर के लिए बहुत बहुत थैंक बोलूँगा कि वो तो सर हमेशा सपोर्ट करे और सपोर्ट के लिए हर एक को मिलेगा सपोर्ट, ये पक्की बात है, मैं यही बोलूँगा सर। बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ओके थैंक यू इमरान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक और स्कीमेटिक डायग्राम का टूल जिसे DZKJ कहते हैं, और इसके अंदर जो होता है फ्रेंड्स, इसमें सर्किट डायग्राम्स होते हैं मोबाइल के, और सबसे पहले आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको हार्डवेयर सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पे आईफोन के काफी सारे यहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं, अगर आपके पास आईफोन के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप यहाँ से देख करके उसे रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो और मोबाइल के आईसी की डाटा शीट यहाँ पे दी गई है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत ये आपको हेल्पफुल होगा, अगर आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, क्योंकि बोर्नियो ही एक ही डायग्राम लेना जरूरी नहीं है। प्रग्मा फिक्स करके आता है, DKJZ आता है, इसके बाद में एक और टूल भी बताऊंगा आपको। तो इसमें जैसा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे MI के डायग्राम्स खोलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MI के इतने सारे इसमें डायग्राम्स हैं, लेटेस्ट वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं K40, K30, ये देखिए K30 5G इसके अंदर है, Redmi 10X 4G है, Redmi 10X 5G है, तो Redmi 7A का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखेंगे मेन इसके एक डायग्राम मिलेगा इसके अंदर, और ये लोकेशन में जो अगर आप देखेंगे तो ये बिट, ये देख सकते हैं ये सर्किट डायग्राम इसका, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँ आपको, ये देख सकते हैं ये डायग्राम्स इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं सैमसंग की अगर बात करें तो सैमसंग के जे सीरीज, ए सीरीज, टी सीरीज, एम सीरीज, पी सीरीज, इतने सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे डायग्राम। ये देख सकते हैं J7, J5, J8 सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वीवो की अगर बात करें फ्रेंड्स तो वीवो के जो होते हैं बहुत कम मिलेंगे आपको डायग्राम, और यहाँ देख सकते हैं वीवो के डायग्राम बेसिकली मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात आईसी की डाटा शीट यहाँ पे है, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे इसको चेक करना है, कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर आईसी है PM660 जो कि क्वालकॉम बेस्ड हैंडसेट में आपको देखने को मिलेगी। ये आईसी के अंदर का इंटरनल डाटा सर्किट है, जैसा आप देख सकते हैं USB इन DC, VPH पावर, बैटरी का कनेक्शन VBAT यानी, और यहाँ पे यूजर इंटरफेस, हैप्टिक्स आउटपुट, GPIO, जनरल क्लॉक, एनालॉग इनपुट यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट मैनेजमेंट में आप यहाँ से देख सकते हैं SMPS एंड VREG आउटपुट सप्लाई निकालती है, LDO बकलाइंस वगैरह यहाँ से इसके आउट होते हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स नीचे अगर लेके आऊं मैं आपको, तो यहाँ पे आपको इसका बॉल की डिफिनेशन मिलेगी, देख सकते हैं कहाँ पे ग्राउंड इनपुट है, कितने ग्राउंड है, कहाँ पे SPMI क्लॉक है, कहाँ पे VPH पावर है, कहाँ पे पावर ऑन रीसेट है, कहाँ पे PS होल्ड है, कहाँ पे V कॉइन है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप पूरे LDO लाइंस जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हैं, VDD लाइंस, LDO लाइंस और भी बहुत कुछ, ये देखिए पावर की पैड, ये डाटा प्लस डाटा माइनस यहाँ पे है, डाटा पॉजिटिव CC2 CC1 USB टाइप सी के लिए, VBAT यहाँ पे, VBAT के यहाँ पे इतने सारे हैं, VPS पावर यहाँ से बन रहा है, बूट कैप जो आपका होता है चार्ज बूट यहाँ से कनेक्टेड है, USB MID लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्स थर्मल लाइन है, बैट सेंस आई सेंस की लाइन कनेक्टेड है, बैटरी आईडी की लाइन कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाटा पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्टेड है, और USB डाटा माइनस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं ये VREG, LDO लाइन सब कुछ यहाँ पे किस तरह से चेक कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से ICO का डाटा शीट है, PM660L का भी इसके अंदर आपको डाटा मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे। तो ये वाईफाई आईसी के लिए यहाँ पे डाटा शीट है, MediaTek के पावर आईसी यहाँ पे है, तो इस तरह की डाटा शीट भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा डायग्राम है अगर सर्किट डायग्राम अगर लेना चाहते हैं आप। MI के भी काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं
रेडमी नोट 6 प्रो। तो मेन डायग्राम इसके अंदर मिलेगा आपको, उसके बाद आपको लेआउट मिल जाएगा, इसके अंदर लोकेशन मैप ये देख सकते हैं लेआउट एमआई नोट 6 प्रो का। तो इस तरह का ये डायग्राम टूल है, अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है ये भी, आपको रिपेयर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि फ्रेंड एक ही मॉडल एक ही टूल के अंदर सब कुछ मिलना ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको खरीदने होते हैं अलग अलग डायग्राम्स। इसके अलावा भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा एक और टूल के ऊपर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको जरूर बताइए कि वीडियो हमारे कैसे लगते हैं। आईफोन में भी देखिए फ्रेंड्स, आईफोन के भी सर्किट डायग्राम, आईफोन स्कीमेटिक डायग्राम 6 से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं XR तक यहाँ पे है, क्वालकॉम और इंटेल दोनों के भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और आईफोन 6 की अगर बात करें स्कीमेटिक डायग्राम की, ये देख सकते हैं आईफोन 6 का डायग्राम यहाँ पे है, तो आप चाहे तो इसमें बना सकते हैं। इसमें ये चीज है फ्रेंड्स के हार्डवेयर सॉल्यूशन जो रहता है आपका, वो वाला हार्डवेयर सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं होता है, बस इसके अंदर आपको डायग्राम्स ही मिलेंगे, बिटमैप वगैरह भी ये नहीं दे रहा है, जैसा कि और खोल के मैं बताऊंगा आपको। ओप्पो A37 यहाँ देख सकते हैं, लोकेशन में आपको लेआउट मिलेगा और यहाँ पे आपको ये, तो इस तरह से है डायग्राम्स कुछ मिलेंगे, सिर्फ डायग्राम मिलेंगे इसमें आपको, लेआउट नहीं मिलेगा इसमें, बिटमैप नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम मिलेंगे, लेआउट मिल जाएगा और सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा टूल है, एंड्रॉइड प्लस आईफोन दोनों के लिए है, अगर आप चाहे तो लेना चाहे तो इसे ले सकते हैं। ये 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का इस तरह से आपको मिलता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।